पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में हिंसा का मामला, कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने हिंसा की रिपोर्ट मांगी। कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने मोबाइल पर देखा चुनावी हिंसा का वीडियो, चुनाव आयुक्त और गृह सचिव को समन किया। पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में पंचायत चुनाव के दौरान भारी हिंसा, 6 लोगों की मौत। 24 परगना में सीपीएम टीएमसी समर्थक की हत्या, मुर्शिदाबाद में बीजेपी समर्थक का मर्डर, शांतिपुर में भी एक व्यक्ति की मौत। पश्चिम बंगाल के वीरपारा में हिंसा के दौरान 5 मीडियाकर्मी घायल, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बूथ कब्जा करने का आरोप। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भी झड़प, बीजेपी और सीपीआई के कार्यकर्ता आपस में भिड़े। पंचायत चुनाव के दौरान नॉर्थ 24 परगना में भारी हिंसा, खुलेआम बम बरसाए गए। पंचायत चुनाव के दौरान 24 परगना में बूथ लूटने की कोशिश, पुलिस पर फेंके गए बम। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा, हम फिर से चुनाव की मांग करेंगे, टीएमसी के लोगों ने धारा 144 लगा रखी है। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा, इतनी हिंसा पहले कभी नहीं हुई, फांसीवादी ताकतों के खिलाफ मिलकर लड़ना होगा। पश्चिम बंगाल चुनाव में हिंसा पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा, तृणमूल कांग्रेस ने हिंसा का माहौल बना रखा है। पश्चिम बंगाल चुनाव में हिंसा पर बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, चुनाव में ऐसा होना बहुत दुखद है। एनसीपी नेता माजिद मेमन ने कहा, पश्चिम बंगाल में हिंसा दुख की बात है, प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। टीएमसी मंत्री के थप्पड़ मारने पर बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने कहा, यहां जंगल राज चल रहा है, एक मंत्री बीजेपी कार्यकर्ता को कैसे थप्पड़ मार सकता है। पंजाब चुनाव के दौरान ममता के मंत्री रविंद्रनाथ घोष ने आपा खोया, बीजेपी समर्थक को थप्पड़ मारा। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी समर्थकों से मारपीट की, बीजेपी ने टीएमसी पर दबंगई का आरोप लगाया। बीजेपी समर्थक को थप्पड़ मारने पर रविंद्रनाथ घोष की सफाई, कहा बैलेट बॉक्स लेकर भाग रहा था बीजेपी समर्थक। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में 1 बजे तक 41.51% मतदान, मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें। जलपाईगुड़ी में कड़ी सुरक्षा के बीच पंचायत चुनाव के लिए मतदान जारी, बारिश के बीच वोट डालने पहुंच रहे हैं लोग।